गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकग्नाइज बाय नैस्कॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो कंपनी का नाम है नेक्स्ट वेव, जिसमें आपको एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है ना वो अवेलेबल हो चुकी है, जहां पर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपने सिंपली 12th पास किया है ना तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड या फिर एक्सपीरियंस के रिलेटेड। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं उस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक किया हुआ है, मतलब कि इस कंपनी के ऑफिशियल पार्टनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आप सभी को ये तो पता ही है कि मैं जो भी जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो उनमें से ज़्यादा जो है ना वो फ्रेशर्स के लिए ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की जॉब भी ऐसी ही रहने वाली है, जहाँ पर आप सिंपली फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और आज की जॉब एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, तो जिन लोगों को एक वर्क फ्रॉम जॉब की तलाश है, जो कि एक परमानेंट जॉब हो और एक गवर्नमेंट बैक कंपनी के अंदर आपको यहाँ पे अगर काम करना है, तो आपके लिए ये जॉब सबसे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, सैलरी की बात करो तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 लाख तक का पैकेज जो है ना इनिशियल में मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो, आपका 12th पास हो चुका है और एक आप ऐसी जॉब चाहते हो जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब हो, या फिर आप ऑलरेडी यहां पे कॉलेज अपना कंप्लीट कर चुके हो और एक गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका काम क्या होने वाला है और सारी डिटेल जो है ना आज के इस वीडियो में रहेगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, और अगर आपको इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, देखें तो आप मेरे बाकी की जो वीडियोस है ना उनको चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपको अगर पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर मैं वीडियो जो है ना हमेशा बनाते ही रहता हूं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज की जो आपकी जॉब रोल रहने वाली है वो स्टूडेंट एंगेजमेंट एसोसिएट की आपकी जॉब रोल रहने वाली है। ठीक है, और इस काम को करने के लिए आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है ना आनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, गुजराती, ओडिया, बंगाली। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपकी मातृभाषा अगर अलग है तो वो मातृभाषा भी यहाँ पे लिस्टेड है, तो हर कोई यहाँ पे इंडिया में से ना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीफर्ड लोकेशन जो है ना वो चेन्नई है, मतलब जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में, पर आपका जो काम रहने वाला है वो वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। ठीक है, फुल टाइम मतलब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है ना आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। कंपनी का नाम है नेक्स्ट वेव, जो कि एक एड टेक कंपनी है। 2023 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था एक्स अमेजोन के एम्प्लॉय ने, जिसका नाम है, देखिए दोस्तों, फाउंडेड बाय राहुल अतुलरी, एक्स एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन, IIT हैदराबाद से उन्होंने एजुकेशन किया है। इस कंपनी को बैक किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट वेव इज एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ NSDC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नेस्कॉम में भी इसको यहाँ पे पार्टनर किया गया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत इस कंपनी में इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे जो काम करना है वो है स्टूडेंट एंगेजमेंट एसोसिएट का। ठीक है, अब ये रोल क्या होने वाला है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या लगने वाले इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको अप्लाई का जो है फॉर्म जो है ना फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको कोई असेसमेंट टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला है, सिंपली आपका यहाँ पे इंटरव्यू जो है ना वो शेड्यूल हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। देखिए, कोलेबरेट विथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर्स टू डिफाइन वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। तो आपको ऑनलाइन जो वर्कशॉप्स क्रिएट किए जाते हैं उनमें आपको कोलेबरेशन करना है, मतलब कि क्या है, वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना है ऑनलाइन में। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है और कंटेंट है उसको डिस्कस करना होता है यहाँ पे। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ द कॉलेज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड CRs ऑफ कॉलेज वेयर नेक्स्ट वे कंडक्ट इवेंट। जिस कॉलेज में इवेंट होने वाला है उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनके साथ आपको यहाँ पे वेल मेंटेन रिलेशनशिप रखना है, मतलब कि बातचीत रखनी है अच्छे से, और उनके जो CRs है कॉलेजेस के उनके साथ आपको यहाँ पे बातचीत करके रखनी होती है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ना ऑनलाइन में होने वाला है वर्क फ्रॉम होम से। आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप ये काम कर सको। ठीक है, ये काम आपका मोबाइल से नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन रखना होता है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मेंटेन रखनी होती है, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन इवेंट जो है ना वो मैनेज करने होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप फ्रेशर, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी आपने इवेंट स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन में स्टार्ट हो चुका है और सब कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा है, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये इश्यूज जो है ना उनको आपको रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा।
क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कॉलेज स्टूडेंट अबाउट नेक्स्ट वेव विजन एंड ऑफरिंग्स। तो नेक्स्ट वेव इस कंपनी के जो भी विजन्स है और ऑफरिंग्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में जानकारी जो है ना आपको स्टूडेंट्स को देनी होती है इन इवेंट्स के जरिए। ठीक है, ये आपका सिंपल काम रहेगा। दिस रोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व वर्किंग विद द प्री सेल टीम इन द वीक्स वेन वर्कशॉप्स आर नॉट शेड्यूल्ड। तो जब कभी वर्कशॉप्स नहीं रहेंगे तो आपको प्री सेल टीम के साथ थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। लोकेशन वर्क फ्रॉम होम आपको काम करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप परमानेंट जॉब रहेगा। सैलरी यहाँ पे आपको अप टू 3 लाख पर एनुअल यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, दिस रोल इज राइट फॉर यू इफ आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, यू आर अ नेटिव स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेजेस, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको आती है अच्छे से, आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको इंग्लिश जो है ना वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों कभी कभार आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कॉलेजेस के, उनके साथ इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड आपका नेचर रहना चाहिए। ग्रेट नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। यू कैन हैंडल ऑब्जेक्शंस डिप्लोमेटिकली। यू आर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। पर्सुएशन स्किल होनी चाहिए और टारगेटेड ओरिएंटेड आपका जहाँ पे है होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हर एक जॉब में रिक्वायर्ड रहती है। तो ये स्किल्स रहेंगी आपके पास तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, और आपको सिंपली इंग्लिश और आपकी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है देखिए, और किसी भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग एंड पीरियडिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना चलने वाला है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, मतलब कि कैसे आपको ऑनलाइन इवेंट्स क्रिएट करने हैं, वर्कशॉप्स क्रिएट करने हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, तो इसके बारे में जानकारी जो है ना रेगुलरली आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। स्कोप फॉर रैपिड ग्रोथ आपको यहाँ पे रहेगा। वीकली इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं विद रिकॉग्निशन। योर सजेशन एंड आइडियाज आर वेलकम, मतलब आपको जो भी नई आइडियाज आपको देनी है तो आप फ्रीली दे सकते हो। बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यूज यू, आपके यहाँ पे वैल्यू की जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ बेनिफिट जो है ना मिलने वाला है। वर्किंग देखिए दोस्तों, आपको 6 डे वर्किंग रहने वाला है, संडे का आपको यहाँ पे छुट्टी रहेगा। और उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस लेवल, आप यहाँ पे 0 to 1 एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, मतलब आप फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया लास्ट में वी विश यू ऑल द लक, तो सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जॉब जो है ना परमानेंट वर्क फ्रॉम जॉब है। जो लोग देखिए दोस्तों 12th पास करने के बाद कहीं यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं परमानेंट में या फिर पार्ट टाइम में, तो उनको अगर अपना करियर जो है ना इंप्रूव करना है तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे कॉलेज कंप्लीट करके अगर चाहते हैं एक अच्छी कंपनी में काम करना, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एकदम फास्ट में कि कैसे आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना होता है। अप्लाई नाउ के ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपको सबमिट कर देना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड कर देना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, सोशल नेटवर्क एंड वेब लिंक्स। अगर आपके पास कोई भी सोशल नेटवर्क का आईडी है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे कि गिट है, ड्रिबल है, बिहेंस है, पिंटरेस्ट है, ब्लॉग और मीडियम, इनमें से कोई है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डालने की। यहाँ पे एस्टेरिक्स नहीं है, मतलब कि क्या है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, वॉट इज योर मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है ना वो कौन सी है, इनमें से कोई एक होनी चाहिए जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हिंदी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एड एम्प्लॉयर जो है ना वो डाल देना है। एजुकेशन जो है ना आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपने 10th किया है, 12th किया है, जो भी आपने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है ना उसको यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे डिग्री इसके लिए बोला गया है क्योंकि क्या है, स्टूडेंट 12th पास करने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते भी आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। मतलब कि आप अगर बाहर से पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने डिग्री का नाम जो है ना वो डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे डिग्री बोला गया है, मतलब कि आप 12th पास हो फिर भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ पे परस्यूइंग कर सकते हो, करंटली परस्यूइंग यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए। करंट ईयर जो है ना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पे डिग्री का नाम जो है ना सिंपली डाल दीजिए, मतलब कि आपका यहाँ पे चांस हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। सिंपली आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेड जो है ना वो आपने 12th के जो भी ग्रेड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट के ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सिंपल आपका एप्लीकेशन जो है वो रिक्रूटमेंट टीम को यहाँ पे चला जाएगा। रिक्रूटमेंट टीम आपका एप्लीकेशन चेक करेगी, उनको ऐसे लगता है कि आप एक सही कैंडिडेट इस जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। आपका इंटरव्यू जो है ना सबसे पहले शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के 2 से 3 राउंड होने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका यहाँ पे जो शॉर्टिंग है वो होगा रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से। उसके बाद आपका यहाँ पे एचआर का एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको सिंपली बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, स्टूडेंट एंगेजमेंट के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर लीजिए, आपको अपनी मातृभाषा सही से आनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मातृभाषा में।
और उसके बाद आपका मैनेजर लेवल का इंटरव्यू जो है ना लास्ट में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं रहेगा, नॉर्मली आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है जिसको आपको क्रैक करना है, तभी जाके आप इस जॉब को पा सकते हो, ठीक। फ्रेशर्स हो, एलिजिबल हो, आपने कम क्वालिफिकेशन आपका, तो भी आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे परसुइंग बता के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो जॉब है आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दिया है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई जो है ना मैं इस जॉब के बारे में कोई क्वेश्चन रहेंगे या फिर अप्लाई करते हो कोई भी परेशानी आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे टाइम निकाल के दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।